मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आगामी 22 नवंबर को प्रस्तावित पुष्कर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर आरुषि मलिक और एसपी नितिन दीप लग्गन ने मंगलवार को सरोवर के राजबोहरा घाट और राजे के पुश्तैनी ग्वालियर घाट का जायजा लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों में एडीजी एनआर रेड्डी, एडीजी यूआर साहू, एडीजी आनंद किशोर शर्मा, एडीजी नंद किशोर शर्मा, आईजी मालिनी अग्रवाल, एसपी नितिन दीप ब्लगन सहित कई पुलिस अधिकारियों ने वसुंधरा राजे के विजिट से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। पुलिस अधिकारियों ने राजे के कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यहाँ पुष्कर मेला सालाना बड़ा मेला है, अभी रिसर्जेंट राजस्थान का भी चल रहा है इसी के साथ साथ, तो इस बार उम्मीद है कि पुष्कर राज में पिछले सालों से भी ज़्यादा लोग आने की संभावना लगता है, क्योंकि जयपुर में भी लोग आएंगे, उसके पश्चात यहाँ भी आएंगे। ऐसे ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए कि बहुत दिन हो गया मेरे को भी आके हुए, तो कुछ साहब लोग भी साथ चले कि हमें चलो दर्शन भी करके आएंगे और व्यवस्था क्या है यहाँ पे मेले के लिए, क्या क्या व्यवस्था हो रहा है। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं नज़र आ रहा है, कुछ नए इनपुट्स हमारे पास जो आए थे उनको इनको शेयर किया है और इस बार ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की उम्मीद लगती है, तो उस हिसाब से वी ओनली कम हियर टू ब्रीफ देम एंड थिंक अरेंजमेंट्स के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ब्लगन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्तिक माह की एकादशी के दिन पुष्कर सरोवर की महाआरती करेगी। इस बार सभी धार्मिक आयोजन और घाटों पर होने वाले विभिन्न आयोजन टीम वर्क नामक निजी कंपनी के हवाले है, इसी के चलते इवेंट कंपनी टीम वर्क के साथ मिलकर इस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे ना तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध लगे और न ही आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। जिला कलेक्टर के अनुसार मुख्यमंत्री जब महाआरती करेंगे तब 52 घाटों पर दीपदान होगा, साथ ही सभी घाटों पर भी आरती की जाएगी, साथ ही हाई लेवल ब्रिज पर भव्य आतिशबाजी होगी। वहीं एडीए ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जिस रास्ते से होकर आएंगे उस रास्ते में सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री देवनानी के निर्देशानुसार मेला क्षेत्र में अस्थायी यात्री विश्राम स्थली और संत विश्राम स्थली भी मंगलवार से शुरू होने की संभावना है। ये तो एक मतलब पुष्कर मेला जो कि हम सभी को विदित है कि सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक मेला है और इसी विषय में समय समय पर हम इसको जो समस्त व्यवस्थाएं हैं उसको भी देख रहे हैं और चूंकि महाआरती का कार्यक्रम 22 तारीख को घाटों पे होना है तो उसी संदर्भ में जो यह एक निरीक्षण है वो किया गया है। साथ ही अब हम जो हेरिटेज वॉक है जो पूरा हमारा यात्रा रहेगा गुरुद्वारे से लेकर ब्रह्मा मंदिर जो ब्रह्म चौक है वहाँ तक उसका भी एक विजिट करके जो समस्त व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे। सीएम साहब के आने की संभावना है? ये तो जो समस्त कार्यक्रम है पुष्कर मेले में, चाहे वो 19 तारीख को जो पुष्कर धार्मिक मेला का प्रारंभ है झंडा रोहण से, उसके साथ ही बोथ मेला ग्राउंड्स एज वेल एज जो हमारा सरोवर है, साथ ही सैंड ड्यून इस बार एक हमने एक जो प्रयास कर रहे हैं कि पशु दड़ा में हमारे पशुपालकों के लिए भी कार्यक्रम है, वो सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभी तो जो अपनी महाआरती है उसमें सम्मिलित होने की संभावना है। पुष्कर मेले के अंदर व्यवस्था में हमारे को प्रभारी मंत्री देवनानी जी ने निर्देश दिए थे दो विश्राम स्थली डेवलप करने के लिए, एक संत नगरी के लिए और एक तीर्थ यात्रियों के लिए और पशुपालकों के लिए, उसकी तैयारी चल रही है और हम उसको आज लगा देंगे। दूसरा एक रोड जो प्रस्तावित है नागौर तिराहे से खरेकड़ी बाईपास रोड, उस पर हमें डामरीकरण का जो है उन्होंने निर्देश दिया था, तो वो काम द्रुत गति से हम उसको कर रहे हैं और 19 तारीख के तक हम जो इसको कम्प्लीट कर देंगे। और पीछे मेला ग्राउंड के पीछे भी एक सड़क है जिसको भी हमें दिया है कि निर्देश कि आप उसको दुरुस्त करें, तो वो भी काम हम आज रात्रि को करेंगे। मेला व्यवस्थाओं के इसी क्रम में नजर डालें तो मेला ग्राउंड के ठीक पास में लगने वाले प्रशासनिक कैंप्स भी लगना शुरू हो गए हैं। इन कैंपों की व्यवस्था सभी विभाग के कर्मचारी अपने अपने स्तर पर करते हैं। मेला विधिवत रूप से शुरू होते ही प्रशासन के आला अधिकारी विश्राम और अन्य आवश्यक कार्य इन अस्थायी कैंपों में रहकर पूरा करते हैं। पुष्कर पशु मेला शुरू हो चुका है। पशु मेले में गोवंश की तस्करी रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग की 11 टीम्स बनाई हैं। वहीं संगठन की ओर से गोवंश से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पॉलिथीन पर सख्ती से पाबंदी लगाने की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम पॉलिथीन बेची जा रही है।
विश्व हिन्दू परिषद के गौरक्षा विभाग के पदाधिकारी गोविंद यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों की ओर से पकड़ी गई गायों को गौशाला संचालक रखने से इनकार कर देते हैं, लिहाजा संगठन ने ऐसी गौशालाओं के अनुदान बंद करने की भी मांग की है। विश्व हिन्दू परिषद गोरक्षा संवर्धन विभाग द्वारा आज एक मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया है। हमने मांग करी है उसके अंदर कि जितनी भी ये गायें जो तस्करों या सामाजिक तस्करों द्वारा जो तस्करी करी जाती है, ये हम पकड़ते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पकड़ते हैं, विश्व हिन्दू परिषद गोरक्षा विभाग के जो लोग पकड़ते हैं। सबसे गंभीर समस्या है पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर कि इन गायों को पकड़ने के बाद इनको छोड़े कहाँ पे हम। तो हमने मांग करी कि गौशाला कोई भी लेने को तैयार नहीं होती है, लेकिन अनुदान के लिए सारी गौशालाएं आगे आ जाती है। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि इनको पाबंद किया जाए कि ऐसी गायें जो पकड़ी जाती है उनको तुरंत अपने गौशाला के अंदर ले, अन्यथा इनका अनुदान बंद करा जाए। दूसरी, संपूर्ण राजस्थान में पॉलीथीन पे पूर्णतः प्रतिबंध है। गायों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक और पर्यावरण के लिए हानिकारक ये पॉलीथीन है। इनका भलरे से उपयोग हो रहा है, प्रशासन इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। चारों तरफ पॉलीथीन का जो संकट है पर्यावरण का, वो इससे उपलब्ध हो रहा। तो हमारी मांग है कि इसको तुरंत बंद करा जाए। तीसरी चीज, जो पुष्कर मेला वर्तमान में जो आ रहा है, इस मेले के अंदर जितने भी पशु आते हैं उसमें गायें वगैरह सब आती है। तो हमने मांग करी कि ये यहाँ से जो खरीद फरोख्त जो होती है वो केवल किसानों के लिए होती है, किसान इनको अपने फायदे के लिए ले जाते हैं, उनके लिए करता है, लेकिन इसकी आड़ में अवैध तस्करी का मामला यहाँ से पाया जाता हर बार। हमने मांग करी कि केवल किसान को प्रमाण पत्र देखने के बाद ही खरीद फरोख्त की परमिशन दी जाए इनको यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो गायें जाती है वो सीधी तस्करी के लिए जाती है। पुष्कर की बड़ी बस्ती स्थित भगवान ज्ञान गोपाल मंदिर में सोमवार शाम को अन्नकूट प्रसादी और ठाकुर जी के छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। शाम को महाआरती के साथ प्रसादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीताराम गोयल परिवार के सुधीर, दिनेश और मुकेश गोयल की ओर से किए गए इस सालाना धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ गोवर्धन पूजा के साथ हुआ, जिसमें पंडितों द्वारा आरती की गई। इसके बाद भगवान ज्ञान गोपाल जी की विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने आप को धन्य महसूस किया। इससे पहले पंडित गोपाल पाराशर द्वारा ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इंद्र की पूजा करते थे तो कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? लाता तो प्रभु गोवर्धन है, इंद्र तो क्या आके देता नहीं अपन को। तो वो गोवर्धन की पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन की पूजा की परंपरा चल गई। फिर इंद्र ने कोप करके बरसात बरसाई, तो गोवर्धन ने महाराज ने रक्षा करी सबकी। तब से गोवर्धन की पूजा की परंपरा चल गई और सब लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे। गोवर्धन महाराज सबको आनंद करते हैं। ये भगवान ज्ञान गोपाल जी महाराज का अन्नकूट महोत्सव है। ये भगवान द्वारा स्वयं द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान के छप्पन भोग की प्रसादी लगती है और फिर सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे अन्नकूट का महोत्सव किया गया है। इस मंदिर का नाम ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष यह उत्सव पंचमी को होता है। छप्पन भोग का प्रसाद भोग लगता है, अन्नकूट का महोत्सव होता है और बड़ी पब्लिक को प्रसाद वितरण किया जाता है। यह हमारे सीताराम जी गोयल ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है, इनके ट्रस्ट के द्वारा इनके द्वारा किया जाता है आयोजन।